हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वन डे स्ट्रैटेजी फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस 2023। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आप कर सकते हो एक दिन के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सबने कवर करे होने चाहिए। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अगर अभी भी कुछ भी मिसिंग है तो वो कल उठाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले देखो यार, अगर तो आपने करंट अफेयर्स कवर करी है, उसके नोट्स बनाए हैं तो वो वगैरह आप देख सकते हो। अगर आपने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, जो भी मैगजीन में से पढ़े हैं या फिर जिसने मॉक टेस्ट खरीदे थे वो मॉक टेस्ट के करंट अफेयर्स, या आपने कहीं और से मॉक टेस्ट खरीदने हैं वहाँ के करंट अफेयर्स सीएस जो हैं वो ज़रूर आप रिवाइज कर सकते हो। जिसने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं करी है तो गाइज आप www.logiri.in पर जाकर मेरे मॉक टेस्ट में से सारे के सारे सीए रट्टा मार कर जा सकते हो। ये लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके यस, आप बिल्कुल एक दिन के अंदर भी रट्टा मार सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, अगर इसमें से आपका कुछ भी पेंडिंग है तो एमसीक्यूज़ आप किसी भी बुक में से पढ़ जाओ। मैं आपको कहती हूँ यूनिवर्सिस कोई भी बुक आपके पास है जहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी उठाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये इनमें से कुछ भी आपका पेंडिंग है तो प्लीज़ 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 ज़रूर करके जाओ। अगर आपको लग रहा है ये वीक है, इनको रिवाइज़ कर लो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर 60 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर तो इन्हीं में से आना है आपका। तो स्टैटिक जीके अगर रट जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सही होगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो आप कर सकते हो वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पे मैंने 2 वीडियो करी हुई हैं यूट्यूब पर ही, लॉगरी टाइप करोगे तो मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप वो 2 वीडियोज़ देख कर उनमें से रट्टा मार लो। ठीक है, ये शॉर्टकट बता रही हूँ। लैंडमार्क जजमेंट्स पर मैंने एक वीडियो करी है, वो देख कर उसके छोटे छोटे नोट्स बना के वो रट्टा मार लो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वीक हो तो यार उसके एमसीक्यूज़ भी अच्छे से कर जाओ। इसमें से अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं किया है तो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में आप चीज़ें कर सकते हो। और 6 जो है वो है लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज़। अगेन लीगल जीके मतलब टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स के एमसीक्यूज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर आप 80 मार्क्स तक का भी प्रिपेयर, मतलब कुछ चीज़ें इसमें से अगर अभी तक नहीं करी हैं तो प्लीज़ कर जाइए। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से ही हो जाता है मैक्सिमम। तो ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी सारा का सारा आपको यूनिवर्सल्स में मिल जाए। कोई और बुक आपके पास है वो कर सकते हैं। अगर इनमें से सबसे पहले तो कोई टॉपिक मिसिंग है तो अभी भी उठाकर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों को फियर लगता है। ठीक है ना, फियर बहुत होता है कि कैसा होगा, मेरा ये टॉपिक रह गया, वो रह गया। देखिए अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं ना तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके चलो कि हाँ यार इतना तो मेरा हो गया है। ठीक है ना, तो वो तो आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, फियर को हैंडल करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो गाइज कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और उसके अंदर आपको क्या प्रैक्टिस करना है, वॉट टू प्रैक्टिस। एक तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट वाले में मैं आपको बहुत बार बता चुकी, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 2 राउंड्स के अंदर जो है यू कैन अटेम्प्ट द पेपर इन 2 राउंड्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले हम 100% वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और 50% वाले क्वेश्चंस हम उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो हम वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हैं। 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, अगर गलत करोगे तो मार्क्स कट होंगे। तो इसलिए हम हर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मेरे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, किसी और के करो, ठीक है, PYQs अटेम्प्ट करो, बट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस आप एक दिन में भी करो, क्योंकि इट इज़ बेटर देन प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 1 या 2 या 3 मॉक्स रादर देन कि पहली बार आप एग्जाम सेंटर में जाके करो ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फियर हैंडल करना आएगा, हाउ टू अटेम्प्ट वाले में नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी आएगी। ठीक है, और एक और बात, जो ये फियर वाली बात है, अपने आप से बात करो, टॉक टू योरसेल्फ। ठीक है ना, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, अपने आप से बात करो कि यार क्या ही हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये आपकी ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट जो लॉ करना चाहता है। आपकी ड्यूटी क्या है कि आप स्टडी करो। अब आपको लगेगा कि यार मैं बहुत स्टडी कर सकती थी बट मैंने स्टडी नहीं करी। ठीक है ना, मैं बहुत स्टडी कर सकती थी बट मैंने स्टडी नहीं करी, तो क्या हुआ, अब प्रेजेंट में क्या कर सकते हो वो करो, पीछे का तो सोच के चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये बात, गिल्ट फील होता है, दूसरी बात डर लगता है कि यार एग्जाम सेंटर में क्या होगा, डिफिकल्ट आ गया ईजी आ गया। आप सिंपली अपने आप को ये बोलो कि मेरी ड्यूटी है जाना है, पेपर दे के आ जाना है, बस आपको बस अपना 100% देकर आना है। अगर आप डरोगे तो काम खराब होगा, और डरते कैसे हो, जब आप ओवरथिंकिंग करते हो, तो ओवरथिंकिंग करना ही नहीं, अपने आप को रोक देना कि यार मुझे तो सोचना ही नहीं इस बारे में, सॉन्ग सुनो ठीक है, और कल का दिन जो है जल्दी सो जाना, राइट। आप लाइक 9 o'clock सब कुछ बंद करके सो जाना, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, एग्जाम सेंटर में जाके देखना, और सुबह उठकर एक प्लानिंग सी कर लेना कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है और इतना इतना हो जाएगा बस, ठीक है ना। वो हो गया तो खत्म है। इसमें से आप देख लीजिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है, मॉक टेस्ट नहीं अटैम्प्ट किया तो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लो, यू हैव टू चूज। अगर फिर भी डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं फॉर श्योर रिप्लाई करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, आई होप आपका अच्छा ही होगा पेपर। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर यहीं पे रिप्लाई करूँगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।